वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यहां पर संगत जी देखने वाली बात यह है कि हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स। आपने कभी भी कुछ आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आते हों कि हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स टूवर्ड्स सिखी? बहुत ही प्यारे आंसर्स जो हैं हमें मिले। अभी जब हम इन्फ्लुएंस पे हम जाते हैं, सबसे पहले तो ज़रूरत चीज़ ये कि अभी सीखी की ज़रूरत क्यों? अभी ज़रूरत क्यों? सबसे पहली चीज़ संगत जी, जब हमने ये टॉपिक लिया है सीखी का, कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये सिर्फ एक धर्म की बात हो रही है, विच इज़ नेम्ड एज सिखी या सिखिज़म, जैसे अंग्रेज़ों ने कहा है। ठीक है, यहाँ पर देखने वाली बात यह है संगत जी कि जब हम जिंदगी की बात करते हैं, एक ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, जो इंसान का जो जीवन है वो आग की तरह है, जैसे फायर होती है ना, वैसा है। अभी जब हम आग की बात करते हैं तो वही आग जब हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो वो, उससे हम खाना भी बना सकते हैं, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। लेकिन वही आग जब काबू से बाहर हो जाए तो वही जो बड़े बड़े जंगल जला देती है, बहुत कितनी विनाशकारक है, हम सब जानते हैं आग। वैसे ही हमारा जीवन है संगत जी, जीवन हमें मिला, ठीक है, अभी उसको जीना कैसे है? अगर हम गुरुमत के अकॉर्डिंग जिएंगे तो हम उसको प्रॉपर, उस जीवन का वो जो एक ह्यूमन चांस जो हमें मिला है, हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया संगत जी, हम देखते हैं कितने सुसाइड्स होते हैं एक दिन में। वही जो एक लाइफ है वो एक कर्स बन के रह जाती है, ठीक है। तो इसीलिए गुरु महाराज ने जो मर्यादा दी, अभी जब हम देखते हैं कि जो रिवर है, जैसे एक नदी है, उसका एक कोर्स होता है, उसका एक राह होता है जहाँ से वो नदी जाती है, ठीक है। तो जब वो नदी वहाँ से जाती है उसके एक प्रॉपर बाउंड्रीज हैं, लेकिन अगर वो बाउंड्री ना रहे तो संगत जी हमें पता है कि जो रिवर है वो शहर के शहर डूब के रख देती है। वैसे ही इंसान के जीवन में अगर मर्यादा ना हो तो वही जो नदी जो बाढ़ की तरीके से बर्बाद करती है, वैसे ही हमारा जीवन जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है वो हमें बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इसलिए जो सिक्खी का, गुरमत का जो है, हमें उसकी जो स्टडी है, जो उसके जो गुरु महाराज के मार्ग पे चलना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे बढ़ते हुए कि इन्फ्लुएंस कैसे करना है संगत जी, सबसे पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे पिछले बार भी जो Q&A में पूछा गया था कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो सिक्खी खत्म हो जाएगी। ओके, एक बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं दिमाग में, लेकिन संगत जी जब इतिहास में देखा जाता है तो केवल दो सिख, संगत जी दो सिख ने पूरा खालसा राज कायम कर दिया था, बोता सिंह गरता सिंह। तो संगत जी गुरु महाराज की कृपा होती, गुरु महाराज जब खेड़ बरताते हैं ना, तो एक तरीके से गुरु महाराज अपने आप ही वो सिस्टम सेट कर देते हैं जहाँ पर गुरु महाराज की सिक्खी प्रिवेल हो। हमारा एम ये है कि बस वो जब गुरु महाराज की जो सिक्खी है, हमें क्या सेवा का मौका मिलता है कि नहीं मिलता। बाकी ये जो पंथ जो चलाया है वो गुरु गोविंद सिंह की पातशाह का है, दैट विल प्रिवेल फॉर एवर, जब तक ये दुनिया रहती है, ठीक है। अब जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, एक बहुत प्यारा आंसर हमारे पास आया कि खुद हम जब लाइफ पे चले। संगत जी ये जो पॉइंट है, मेजॉरिटी ऑफ अस मिस दिस पॉइंट। संगत जी जब हम नाम जपते हैं, जब हम गुरु महाराज के राह पे चलते हैं, हमारे अंदर जो है, जब गुरु महाराज की कृपा होती है, ठीक है। अभी संगत जी कृपा भी ऐसा नहीं है कि अगर हाँ भाई हम कई जगह पे देखते हैं अभी अमृत चक्र हो, नहीं, जब महाराज की कृपा होगी तब, लेकिन जब डिनर कर रहे तब नहीं कहते कि हाँ भाई कृपा होगी तब हमारे मुंह में चला जाएगा, नहीं, तब हम आगे चल के पहले डिनर खाते हैं, राइट। तो वो जब चीज़ें कृपा होगी कैसे, गुरु महाराज हमारे एफर्ट्स देखेंगे, जो उद्यम होगा वो देखेंगे, आगे जो रिजल्ट है वो गुरु महाराज ने देना है। लेकिन जब एक इंसान खुद जब वाणी पढ़ के गुरु महाराज के राह पे चल के जब सिक्खी कमाता है,
संगत जी सिक्खी कमाने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सिखों के घर में पैदा हो गया तो सिख ही हो, ठीक है। अगर पगड़ी बांधने वाला इंसान सिख नहीं होता, भले वो बाहर से दिखे, तो वहाँ पर जो संगत जी सिक्खी कमानी पड़ती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे अंदर से जो एक तरीके से वाइब्रेशंस उठती हैं, एक तरीके से हमारा जो गुरु महाराज की कृपा से हमारे अंदर एक प्रताप आता है, हमारा जो मुख है वो उज्जवल होता है। आप कोई भी महापुरुष को देखोगे, उनका प्रभाव ही इतना था कि वो जब जहाँ पे चल के जाते थे ना संगत जी, वहाँ पर अपने आप सिक्खी आ जाती थी। जैसे आप जो फोटो पे देख रहे हो संत ठाकुर सिंह जी, आई थिंक बी जी ओके, सो एक ठाकुर सिंह जी पिंडन वाले एक बहुत महापुरुष रहे हैं। संगत जी इतने प्रचारक प्रचार करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो करना भी है वो चीज़, लेकिन ठाकुर सिंह जी जब यूके में एक घर में जाते जहाँ पर शराब होती है, चल रही होती है, वहाँ पर जाते बस एक तरीके से वो जो पूरा परिवार है वो बस देखता है एक बार, बस दर्शन करता है ठाकुर सिंह के, और वो जो पूरा परिवार है वो अमृतारी हो जाता है। ठाकुर सिंह ने सिर्फ एक फतेह बुलाई होती है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी वो वाइब्रेशंस आई कहाँ से, वो कृपा जो है वो जब देखने में आती है ना संगत जी, तब जो है लोग चेंज होते हैं। हाँ, सिक्खी के मार्ग में एक कंसेप्ट है कि हमें सुनना है। सुनना क्या है, जो बाणी है वो सुननी है हमें, गावी है सुनी है, मन रखिए पाओ। जब हम पाठ कर रहे हैं, जब हम वाहिगुरु सिमरन कर रहे हैं, तब हमें सुनना है चीज़ों को जो भी हम बोल रहे हैं। लेकिन जब सोसाइटी में देखने की बात आती है संगत जी, तो मोस्टली जो इन्फ्लुएंशियल चीज़ होती है वो चीज़ें होती हैं जब लोग देखते हैं, व्हेन पीपल सी। एंड अगर कोई आपको देखे और उनको देख के ऐसा लगे कि गुरु महाराज को हमने देखा नहीं लेकिन गुरु महाराज ऐसे दिखते होंगे, दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। वो गुरु महाराज की आप समझ लेना बहुत कृपा होगी। तो हमें वो लेवल तक जाना है जहाँ पर हमारे और गुरु महाराज की जो एक्शंस हैं उसमें कोई डिफरेंस ना हो। हम गुरु महाराज को कभी कंपीट नहीं कर सकते। ऐसा मत सोचिए कि मैं कह रहा हूँ कि भाई गुरु ही बन जाओ, नहीं। लेकिन वो सिख ही कौन सा जो गुरु महाराज के मार्ग पर ना चले, ठीक है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। संगत जी एक छोटा सा उदाहरण लें कि एक बहन जी थे, तो अभी नॉर्मली जब देखा जाता है कि जब हम सोसाइटी में जाते हैं, ओके, सो एक कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अभी जो हमारी सोसाइटी है उसमें कल्चर का कैसे प्रभाव पड़ता है। अभी जो भी इंसान टीवी पे देख रहा है कि जो एक इंसान फॉर्मल्स पहन रहे हैं, जो शर्ट पैंट पहन रहा है, दोज आर द वंस हु लुक हैंडसम। लेकिन जब हम वही कोई बाणा देखते हैं या कुर्ता पजामा में देखते हैं, हमें लगता है ये तो देसी जैसा है। जब हम एक इंसान को देखते हैं हु इज़ क्लीन शेवन, तो उसको कहा जाता है मतलब कि ये क्लीन है बहुत। लेकिन वही जो गुरु महाराज का दाढ़ा साहब प्रकाश करके घूमता है, तो उस समय कहा जाता है कि वो बहुत अनक्लीन है, अनटाइडी है, ठीक है। जब एक जो फीमेल है वो जब एक मेकअप करती है और एक तरीके से जो अपने आप को शो ऑफ करती है ज़्यादा, उनको एक एज अ स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। लेकिन वही एक जो दस्तार वाली बीबी है जो प्रॉपर अपने जो कल्चरल जो पहरावा है जो पहनती है, तो उनको एक तरीके से बैकवर्ड कहा जाता है। तो संगत जी देखने वाली चीज़ यह है कि ये स्टैंडर्ड सेट कौन कर रहा है, हु इज़ सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अभी जैसे कई इससे इन्फ्लुएंस होके जब कल्चर का इतना पीयर प्रेशर पड़ता है, तो हमने देखा है कई जगह पे कि जो लोग हैं वो दुमाला साहब बांधना प्रेफर नहीं करते क्योंकि लोग उनको कहते हैं दैट यू लुक लाइक एक्सट्रीमिस्ट। उसका भी पीछे बहुत सालों से नरेटिव चलाया गया बिकॉज ऑफ विच उनको ये चीज़ देखनी पड़ती, क्योंकि जो हमारी जो पिछली जनरेशन थी उन्होंने इतना ट्रॉमा देखा है, वो इतने ट्रॉमा के थ्रू गए हैं जब सिखों की नस्ल खुशी हुई, जिसकी वजह से जब उन्होंने देखा कि जैसे ही संगत जी पंजाब में ऐसा हाल था कि अगर कोई दुमाला साहब में कोई सिंह देखे तो वहीं उनका एनकाउंटर हो जाता था। तो जब हमारे पेरेंट्स ने इतना ट्रॉमा देख के जब वो आज की डेट में हमें भी देखते हैं वैसे, तो उनके दिमाग में आता है कि नहीं, वी कांट लूज आवर चाइल्ड, ठीक है।
तो वो काफ़ी सारे नरेटिव्स जो हैं वो चलते हैं, और उसमें से एक जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमें, वो है वेस्टर्न आइडियोलॉजी। जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है वो हमें एक तरीके से बहुत ही ओपन माइंडेड लगती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी जो जड़ें हैं उसको उखाड़ने में लगी हुई है। कैसे? जो हम जब वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, हम संगत जी, हम ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड वाइट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, ऐसा हम नहीं दिखा रहे। लेकिन संगत जी, जो बेस जो है, वो जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो जो एक तरीके से बढ़ावा जिसका दिया जाता है, वो है पदार्थवाद का, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का, जहाँ पर लोग एडवर्टाइज़ करते हैं। जो कैपिटलिज्म है वो, मतलब आपको एडवर्टाइज़ किया जाता है एक प्रोडक्ट के लिए कि आपके लिए ये ज़रूरी है, आपके लिए ये ज़रूरी है। उसको बैकअप करने के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कल्चर्स सेट होते हैं, एंड कल्चर्स जो है वो हमारी डेली जीवन में हमें इस रूप में देखने को आते हैं कि जब हम दस्तार बांध के खुले दाढ़े से जब हम ऑफिस जाते हैं तो लोग हमें घूर के देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारा एक तथ्य जो पहरावा है वो वैसा है। इन्फ्लुएंस के तौर पे संगत जी देखने में ऐसा आता है कि जो सिख बीबियाँ हैं और जो मर्द हैं, तो हम पहले बीबियों की साइड की चले जाएँ कि उनके उनमें कई जगह पे देखने में आता है कि उनको जो दो सबसे बड़ी, तीन सबसे बड़ी जो दुविधा होती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, एक तरीके से पाठ तो बहुत होता है उनका, पाठ करते हैं, दे गो रेगुलरली टू साध संगत, पाठ कर रहे हैं, अमृत वेला संभाल रहे हैं, लेकिन जो तीन जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो अमृत की तरफ नहीं जा पाती, द फर्स्ट वन इज़ के जो दस्तार से जानी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कई जगह पे एक तरीके से जो ब्यूटी का जो स्टैंडर्ड है वो ऐसा सेट किया जाता है कि जो बाल खुले हैं और जब हम दिखाते हैं खुले तौर पे, तो वो एक तरीके से माना जाता है कि दैट इज़ द स्टैंडर्ड। तो उसको कई जगह पे बांधना, ठीक है, वो एक तरीके से, अगर वो बांधना भी चाहे तो नहीं बांध पाते। क्यों? क्योंकि जो परिवार वाले हैं, दे पुट सो मच प्रेशर के भाई आगे तेरा पता नहीं ब्याह कौन से घर में होना है, वी डोंट नो। अगर वो मतलब थोड़े मटेरियलिस्टिक हुए तो वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी जो चीज़ जो पीछे हटाती है, दैट इज़ फेशियल हेयर, या फेशियल हेयर जो वुमेन को आते हैं, ठीक है, जब वो जो केसों की बेद भी नहीं करती, तो कई जो वुमेन हैं उनको केस आते हैं, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है मेकअप का, कि मेकअप नहीं कर सकते। तो उसमें जो चीज़ें हैं संगत जी, कई जो है पीछे हट जाते हैं इस चीज़ से। अभी उसमें एग्जाम्पल सेट करने वाली बात यह होती है कि मैं एक बीबी को एक जानता हूँ जहाँ पर उन्होंने कैसे अपने परिवार को इन्फ्लुएंस किया बाय प्रैक्टिसिंग हर सेल्फ, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने खुद दस्तार सजाई, ठीक है, खुद उन्होंने वो जो पहरावा है वो पहना, खुद उन्होंने बाहर जाके प्रचार किया। प्रचार कैसे किया संगत जी? जो बिना देखने वाला प्रचार होता है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। जब लोग आपको देखते हैं और वो प्रचार अपने आप ही हो जाता है। तो जब वो गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं तो तब लोग, जो बीबियाँ होती हैं बाकी, वो देखती हैं उनको, ठीक है। जब वो देखती हैं तो कई जो बीबियाँ थी वो आई उस पंडित जी के पास और उनको वो प्रॉब्लम्स बताती है अपनी कि मुझे भी दस्तार से जानी है आपके जैसी, लेकिन ये दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो उन गुरु महाराज की कृपा से इतना इतना इफेक्ट पड़ा उस चीज़ का कि जब उन्होंने वो चीज़ खुद फॉलो की, उनको देखते देखते ही उनके परिवार में एक न्यू नॉर्मल सेट हो गया कि हाँ, दस्तार वाली बीबी है, अगर अगर केश हैं उनके, फेशियल हेयर हैं, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे करके जब वो एक तरीके से न्यू नॉर्मल बना तो लोगों ने भी उसको धारण किया, और गुरु महाराज की कृपा से आज कई जो सारी बीबियाँ हैं उनके इन्फ्लुएंस में आके दे ऑल्सो मतलब कि वो भी दस्तार से जाती हैं, वो उन्होंने भी केस काटने बंद कर दिए और उन्होंने अमृत शक लिया, क्योंकि यही जो प्रॉब्लम्स थे, मेन मुद्दे थे जो उनको सताते थे, वो दैट आर गॉन नाउ। दूसरी तरफ हम बात करें, जब मर्द वालों की, जब एक मैन की बात करते हैं हम, तो तब एक देखा जाता है कि जो ट्रिमिंग ऑफ बियर्ड्स, संगत जी देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमें नॉर्मली बताया जाता है कि जब हम दाढ़ी बांधते हैं, ठीक है, दैट इज़ व्हेन यू लुक हैंडसम, दैट इज़ व्हेन यू लुक फॉर्मल। इवन जब ऑफिसेज में हम जाते हैं तो कई बार जो हमारे हेड, जो कि सिख ही होते हैं देखने में,
वही हमें आके बताते कि यार वीर जी दिस इज नॉट लुकिंग क्लीन, हु हैज सेट दैट स्टैंडर्ड्स, क्या ये गुरमत है? पहली बात तो ये कि पहली गुरमत ये स्टेट करती है, नहीं। गुरमत जो है उस परमात्मा जी जैसे सजाया है खालसा, जब पूर्ण फॉर्म में जब वो खालसा विचरता है तब गुरु महाराज की खुशी होती है। तो जब कोई सिख जब दाड़ा साहब खोल के, जब दुमाला साहब सजा के जब वो ऑफिस जाता है, लोग उनको पूछते हैं कि आपने ऐसी पगड़ी बांधी है, उन्होंने वैसी बांधी, ऐसा क्यों? आपने कृपाण पहनी है, आपने क्यों पहनी है? आपने दाड़ा साहब खुला रखा है। कई जो लड़के होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई मुझे भी तुम्हारे जैसे दाढ़ी बनानी है, बढ़ानी है। वैसे तो वो इन्फ्लुएंस हुआ कैसे? जब आपने खुद मानी वो चीज़, आप जब खुद गुरु महाराज के प्यार में आते हो, जब आप खुद कथा सुन के गुरबाणी पढ़ के, जब गुरु महाराज के प्रति आपका प्यार जागता है, और जब प्यार जागता है ना संगत जी, तब हमारा मन करता है कि हम भी अपने पिता की तरह दिखें। तो जब हम अपने पिता की तरह दिखते हैं और प्यार है अंदर, संगत जी गुरु महाराज खुद आप पे इतनी कृपा करते हैं कि आपको देख के ही लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यही एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था कि जब 18th सेंचुरी में जब सिख जंगलों में रहते थे, जब झाड़ों में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करना पड़ता था क्योंकि कई बार हमले हो जाते थे, उस समय जो सिखी का जो तत् है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। लेकिन आज के टाइम में इतने समागम होने के बावजूद, इतना प्रचार होने के बावजूद, विलेजेस में जाने के बावजूद, संगत जी वो इफ़ेक्ट दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारे खुद के जीवन में बहुत सारी कमियां हैं। जब हम बच्चों की भी बात करते हैं, वी कांट बी लाइक कि हम खुद मनमत कर रहे हैं और बच्चा हमारा गुरसिख बन जाए, नहीं हो सकता वो। क्योंकि वो बच्चा देखता किसको है? वो देखता अपने माँ बाप को है। इसी का हमने पिछले सेशंस में एक एग्जांपल के तौर पे लिया था। संगत जी सिंस इट्स द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हम थोड़ा टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे अभी। सो अभी इसके बारे में एक बच्चा आया छोटा सा, ठीक है, बहुत एक तरीके से जैसे शरारती होते हैं बच्चे काफ़ी, है ना। तो अभी बच्चे शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक बहुत ही शरारती बच्चा, एक हम गुरु महाराज की कृपा से हम चेन्नई में सेशंस लेते थे बच्चों के लिए सिख इतिहास का। तो वहाँ पर वो आई और उन्होंने, वो जो पेरेंट है उन्होंने बताया कि आप ना मेरे बच्चे को गुरसिख बना दो, ठीक है। अभी संगत जी पूरे वीक में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में सिर्फ 1 घंटा सेशन होता है हिस्ट्री का। हमने बहुत देखा, हमने इतिहास समझाया, बहुत कुछ किया गुरु महाराज जी जितना करवाया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है बार बार जो कंप्लेंट्स आती थी पेरेंट्स से कि ये शरारती इतना है, ये घर पे भी बहुत परेशान करता है लोगों को। तो एक बार हमारे टीम में एक बहन जी हैं जो काउंसलिंग करते हैं, तो उन्होंने उस बच्चे को पूछा कि क्या मतलब, व्हाट आर द थिंग्स, ये हो क्यों रहा है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे और उसके बैकग्राउंड में संगत जी ये पता चला कि उनके जो घर है उसमें हर रोज झगड़ा होता है। एवरी डे वो बच्चा अपने आंखों के सामने अपने माँ बाप को झगड़ा करते हुए देख रहा है, ठीक है। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो सहज वाला बच्चा होगा? नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जब मैं कई गुरसिखों को मिलता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि आपका बचपन कैसा रहा था, तो वो गुरसिख ये जवाब देते हैं कि जब भी हमारी जो माता है वो जब पाठ करने बैठती थी तब हमें साथ में बिठा देती थी, और जब बोल बोल के जब पाठ करती थी आधी बाणियाँ तो ऐसे ही कंठ हो गई, उनको एफर्ट्स ही नहीं लगाने पड़े बाणी कंठ करने के लिए। और इसी के लिए जब साखियाँ सुनाई जाती थी बच्चों को, उनकी माताएँ जब साखियाँ सुनाती थी, तब वो जो बीज है वो सिखी का पहले ही पढ़ चुका, और आगे आज वो ऐसे गुरसिख हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब गर्भ में जब बच्चा आता है तभी आइडियली जो माता है, जो कि आगे माता बनने वाली है, वो जो महिला है, वो उसका जो एनवायरनमेंट है वो पूरा गुरसिखों वाला हो। शस्त्र में उनका शस्त्र सजाए जाएँ, आगे जो वैसे ही चीज़ें देखे वो जो गुरमत पे आधारित हों, शहीदों की कथाएं सुननी, गुरबाणी पढ़नी। उससे क्या होता है कि वो जो चीज़ है ना संगत जी, वो जो अंदर जो बच्चा पल रहा होता है उस पे भी वो इन्फ्लुएंस पड़ता है, और जब वो बाहर आता है
तब वो एक गुरुमुख के तौर पर निकलता और दुनिया में वो फिर एक गुरसिख के तौर पर रहता। तो संगत जी, ये जो ऑरा है, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम खुद तो हम कुछ भी कर रहे हैं और बाद में फैमिली वाले को हम कहें कि भाई तू ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। फिर हम भले जितनी भी साखियाँ सुना दे, पहली बात तो ये कि हमारे अंदर वो प्रताप ही नहीं होगा जिससे हमारे बचनों में ताकत ही नहीं होगी कि कोई चेंज हो जाए। संगत जी, हमने देखे कई ऐसे महापुरुष हैं, वो एक बचन जब करते थे स्टेज पे, संगत जी लाख लाख जो यंगस्टर्स हैं वो शहीद होने के लिए तैयार हो जाते थे। वो कहते थे कि नहीं, अब तो मार्ग पे चलना है गुरु महाराज के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कई लोग जो हैं दिन रात जो है अपने परिवार वालों को कहते रहते हैं, कई लोग जो हैं वो दूसरों को कहते रहते हैं वो, लेकिन वो इट्स लाइक जो खाली जो बर्तन होता है ज़्यादा खड़कता है ना, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो वो उसी की वजह से होता है क्योंकि हमारा खुद का बर्तन अभी हुआ नहीं है, हमारे खुद का अमृत वेला नहीं है, हमारी खुद की रहत नहीं है। तो उसकी वजह से लोग जब देखते हैं हमें तो हमारे फिर एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि वो भी अमृतधारी है, वो तो नाचता है, वो तो अमृतधारी है, वो भी लेट उठता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें फिर वैसे हो जाती हैं, आपके ही है फिर एग्जाम्पल एक नेगेटिव वे पे प्रोट्रे किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जब अपना जीवन जी रहे हो, दुनिया में बहुत सारे जो है तिरे हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हैं, आपको टीवी के थ्रू आपको प्रमोट किया जाता है बहुत कुछ, ठीक है, आपके एजुकेशन सिस्टम के थ्रू बहुत कुछ प्रमोट किया जाता है। और इसमें से संगत जी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें वो एक पॉलिटिकल लेवल की बात आ जाती है कि इसमें जो राज की जो बात है वो वाला भी पर्सपेक्टिव आ जाता है कि जहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि राज बिना ने धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। वहाँ पर जैसे हम देखने में आता है कि जैसे कई सारे हमारे हिंदू वीर हैं वो झिझकते हैं केश रखने के लिए, उनको कहा जाता, नहीं तो कहा जाता है कि अगर थोड़ी दाढ़ी बनाई है तो उनको मुसलमान कहा जाता है, और अगर सिर पे केश रख लिए तो उनको सिख कहा जाता है। लेकिन संगत जी, बाल काटने की जो एक रिवाज है किसी भी धर्म में नहीं है। तो महाराजा रणजीत सिंह का जब राज था, जब सिखों का राज था, तो तभी एक तरीके से रूल था कि जो भी मिलिट्री में जाते हैं तो वो केस नहीं काट सकते। तो जितने भी यहाँ पर थे, भले वो कोई भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो वो सब केशधारी होते थे। तो उसकी वजह से एक नॉर्मल बना था सोसाइटी में कि दैट इट्स ओके कि अगर आपके केस ज़्यादा हों। उन्होंने वैसे, महाराजा रणजीत सिंह ने वैसे सिस्टम बनाए जहाँ पर जो गुरु महाराज की जो सिक्खी है वो प्रिवेल करे, उन्होंने वैसे सिस्टम्स बनाए। और सिक्खी का प्रिवेल करने का मतलब यही कि सरबत कापला, जहाँ पर सब धर्म एक जगह पे शांति से रहें, ठीक है। तो जब हमें बहुत सारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ होंगी दुनिया में, हमें इफ़ेक्ट करती है थ्रू आर एजुकेशन सिस्टम, थ्रू आर जो टीवी पे हम देखते हैं, सोशल मीडिया में जो हम देखते हैं, संगत जी इस सब का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन एक सिख का देखने का नज़रिया क्या होता है, वो केवल दो तरीके से इंसान देखते हैं। एक जो सिख है वो दो नज़रिए से देखता है, एक तो है गुरबाणी, दूसरा है सिख इतिहास। इस दोनों के अलावा वो किसी भी क्राइटेरिया में दुनिया को नहीं देखता। और वही जो इन दोनों क्राइटेरिया में जी रहा है, संगत जी हमने फिर बहुत बड़े बड़े महापुरुष देखे हैं, वो ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो इसी का जो इफ़ेक्ट है फिर, मतलब कि कल्चरल इफेक्ट जो आता है, उसकी वजह से फिर कहा जाता है कि भाई हैप्पी बर्थडे गुरु नानक देव जी महाराज, फिर केक काटे जाते हैं। संगत जी वो रिवाज नहीं है हमारा, ठीक है। सो ये सब चीज़ों से हमने संगत जी यहाँ से जो पॉइंट्स इकट्ठे किए कि सबसे पहली चीज़ कि हम अपना खुद का जीवन बदलें। जब लोग आपको देखेंगे कि आप कैसे बैठते हो, कैसे आप आदर सत्कार करते हो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का, कैसे आप सेवा करते हो, कैसे आप संसारिक तौर पे विचर रहे हो, आपका पहरावा क्या है, आप कैसे विचर रहे हो, दीज ऑल थिंग्स मैटर। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप बस दिखावा के लिए बाहर से पहन के चले गए वो, लेकिन अंदर की जो वाइब्रेशंस हैं वो कैसे आएंगी, वो तो आप क्रिएट नहीं कर सकते ना। आप बाहर से फेक ऑफ कर सकते हो, अंदर से फेक ऑफ नहीं कर सकते। तो वही चीज़ें हैं संगत जी, जब आप नाम जपोगे, जब आप गुरु महाराज की सिक्खी कमाओगे, आपके अंदर गुरु महाराज इतना प्रताप भर देंगे कि आपकी वाइब्रेशन से ही आपका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ेगा कि गुरु माँ की कृपा से अपने आप ही जो है गुरु महाराज की तरफ आ जाएंगे। क्योंकि जैसे जो मालो शेख है उसके अंदर उबेर खान ने देखा कुछ उनके अंदर, राइट, उबारे खान ने देखा चीज़ कि मालो शेख इतना अनन्य में कैसे, कौन सा हीरा है अंदर और इसको वो हीरा मिला कहाँ से। जब उनको पता चलता है कि ये गुरु महाराज से मिला,
तब वो भी खुद मत्था टेक गया गुरु महाराज के आगे। लेकिन मान लो शेख केवल दिखावे वाला होता, वो भी विचर रहा है साथ में, वो भी वैसे ही चीज़ें कर रहा है जैसे उबारे खान कर रहा है, तो क्या ये चीज़ होती? नहीं होती। संगत जी वो हीरा पहले अपने अंदर आए नाम का, क्योंकि जो दीवा जलता है ना वही दूसरे दीवे को जला सकता है, एक बुझा हुआ दीवा दूसरे दीवे को नहीं जला सकता। सो संगत जी ये चीज़ है। एंड आखिर में जो है जब हम गुड कंपनी की बात करें कि साथ संगत की ज़रूरत क्यों, संगत जी यहाँ पर ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करके हम सेशन की समाप्ति करेंगे। तो संगत जी यहाँ पर जब साथ संगत की बात करते हैं तो गुरु महाराज ने पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी में साथ संगत की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। अभी जैसे हमने देखा कि इतने सारे नरेटिव्स चल रहे हों दुनिया में, आप बच सकते हो नहीं बच सकते, यू विल बी लाइक आधा आप गुरु महाराज की तरफ हो एंड आधे आप वर्ल्ड की तरफ। इसलिए कहा जाता है कि हाँ भाई मैं दस्तार बांधता हूँ, मैं नाचता भी हूँ, बुराई क्या है इसमें, ठीक है, वी शुड लिव आर लाइफ, मतलब लिव एंड दैट लिव, ठीक है। वो वाला फिर हिसाब आ जाता है जब हम आधे गुरु वाले हो जाते हैं आधे वर्ल्ड वाले हो जाते हैं, तभी मोस्टली प्रॉब्लम्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। उसमें जो हमें सबसे ज़्यादा संगत जी हेल्प करेगा वो है साध संगत। साध संगत में संगत जी आपको कोई एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं, आप साध संगत में कुछ दिन रहो कुछ गुरसिखों के साथ, आपके अंदर खुद ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मैंने कई सारे देर आर लाइक आई थिंक मेजोरिटी ऑफ देम जो है साध संगत से ही चेंज हुए हैं, किसी की संगत की चेंज हो गए। संगत मिलेगी कहाँ से? जब आप गुरुद्वारा साहिब जाओगे। संगत जी बाकी जो लोग हैं दुनिया में, इट इज़ नॉट दैट कि वो बुरे हैं, वो बुरे नहीं, लेकिन संगत जी अगर हमें परमात्मा की ओर चलना है हमें उनकी संगत करनी पड़ेगी जो नाम जप रहे हैं। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे लें कि जैसे हमारी माता होती थी, हमारी जो मदर होती है वो हमें हमेशा कहती कि जो स्कॉलर है ना, जो रैंक वाला है उसके साथ रहा कर, ठीक है, बाकी जो एवरेज जो दोस्त हैं उनको छोड़ दे, ठीक है। अभी क्या एवरेज वाले सही नहीं होते? एवरेज वाले सही होते हैं, लेकिन कहने का भाव ये है कि हम ग्रो कहाँ करेंगे? हम ग्रो वो रैंक वाले की संगत में करेंगे जो पढ़ाई करता है। वैसे ही दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन आपकी अंदरूनी तौर पे आध्यात्मिक तौर पे आपकी प्रगति कैसे होगी? जब आप उनकी संगत करोगे जो खुद भी नाम जपते हैं, खुद संगत करते हैं, एंड संगत जी वो संगत में वो जो वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप खुद चेंज हो जाते हो, यू कांट हेल्प इट। मतलब आपको कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगाने पड़ते, आपको सिर्फ ये एफर्ट्स लगाने होते हैं कि आप वो साध संगत के पास पहुँचो कैसे। इसी में संगत जी कई लोग ढील खा जाते हैं कि यार मेरा तो गुरुद्वारा साहिब एक घंटे के रास्ते पे है, दो घंटे पे रास्ते पे। संगत जी वी आर नॉट रियलाइजिंग कि ये एक दो घंटे के चक्कर में हम क्या गंवा रहे हैं। मैंने कई सारे ऐसे गुरसिखों की साखियाँ सुनी हैं जहाँ पर वो यूके में रहते हैं, लेकिन आप सोचिए सुबह जॉब जाना है, ओके, वो 2 बजे निकलते थे अपने घर से, 4 बजे पहुँचते थे साध संगत करने के लिए। 2 घंटे का रास्ता है जहाँ पर साध संगत अमृत वेला संभालती है, ठीक है, 2 घंटे ट्रैवल करते हैं, 4 बजे वहाँ पहुँचते हैं, 4 बजे वहाँ पर अमृत वेला संभालते हैं सिंगों के साथ, ठीक है, वहाँ पर संभालते हैं, एंड फिर जो है 4 से 6-7 बजे तक का समय था, वहाँ से फिर वो अपनी जॉब की तरफ निकलते हैं, 2 घंटे वहाँ पर भी लगते हैं, एंड फिर वो जॉब जाके अपनी जॉब भी करते हैं, और फिर आके फिर वही सेम रूटीन। कई लोग जो हैं 40 किलोमीटर दूर से, मैंने मुंबई की एक सिंह की मैं बात सुन रहा था, 40 किलोमीटर दूर से वो आते थे और मतलब संगत को पिकअप करते थे, फिर आगे और 40 किलोमीटर आगे जाते थे ताकि वो संगत कर पाएं। संगत जी वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज। हमें जब तक वो प्यास अंदर से नहीं आएगी ना संगत जी, तब तक वी विल नेवर रियलाइज। हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर डिस्ट्रक्शन कितने बड़े लेवल पे हो रहा है, तब तक ही हमें बात पता नहीं चलेगी। लेकिन जो गुरु प्यारे के मन में आता है कि भाई मुझे मिलना ही मिलना है, तो वो एक भी मौका नहीं छोड़ेगा कि उनको साध संगत मिले। अभी कईयों के पास ऐसा होता है कि भाई गुरसिख ही नहीं मिलता हमें, हम कहाँ से मिले गुरसिख। संगत जी बेस्ट थिंग इज़ कि आप गुरुद्वारा साहिब जाओ,
ठीक है, गुरु महाराज ने इतना प्यारा सिस्टम बनाया है, इंस्टेड ऑफ कि आप निंदा करो गुरु महाराज की कि भाई इतने गुरुद्वारे बन रहे ये वो, आप उनका फ़ायदा उठाओ, आप जाओ वहाँ पर, आपको वो जो वहाँ पर जो संगत मिलेगी, आपको लाइक माइंडेड बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको ब्रह्म ज्ञानी मिल जाएंगे गुरुद्वारा साहिब में, लेकिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आगे भी प्रेरित करेंगे और आपको सिक्खी में दृढ़ रखेंगे। फिर भी अगर फिजिकल तौर पे आपको कोई संगत नहीं मिलती तो ऑनलाइन पे आप कोशिश करके, जैसे गुरु नानक सीरीज सेशंस हैं या कथा है, कोई भी आप जो जिस भी प्रचारक का आप सुनना चाहो आप ज़रूर अटेंड करो, क्योंकि यही संगत जी, यही साथ संगत जो है हमें स्ट्रेंथ देंगी। वरना क्या होगा, वही वाली हिसाब हो जाएगा फिर, हैप्पी बर्थडे वाला हिसाब हो जाएगा हमारा कि आधे हम गुरु वाले आधे हम वर्ल्ड वाले, ना हम गुरु वाले रहते हैं और जो दुनिया से जो चित्र मतलब हमें भुगतना ही पड़ता है एक तरीके से, वहाँ से भी मार पड़ती है और यहाँ भी नहीं बचते, ठीक है। सो वो वाली जो चीज़ें हैं संगत जी, हम ज़रूर मेक श्योर करें कि जो बुक्स हैं जो गुरसिखों की, उनको ज़रूर पढ़ें। जो भाई वीर सिंह जी हैं, हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले की जो बहुत सारी पुस्तकें हैं संगत जी, जहाँ पर गुरसिखों ने अपने जीवन के बारे में बताया है, जब हम वो चीज़ पढ़ेंगे, जब हम कथा सुनेंगे यूट्यूब वीडियोस से, तो तब हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है संगत जी, वो तब पड़ेगा जब हम फिज़िकली जब संगत में जाएंगे, क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस हैं डेट कॉन्ट बी मेजर्ड। आप कोशिश करना, आप कीर्तन ईयरफोन्स में जाके सुनना और आप कीर्तन लाइव सुनना कभी, यू विल नो द डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें गुरु महाराज ने जो एक अच्छी संगत है उसको चंदन के झाड़ से कंपेयर किया है, जहाँ पर चंदन का जो झाड़ होता है जिससे भी कॉन्टैक्ट करता है वो अपनी खुशबू फैलाता है, ठीक है। वैसे ही साथ संगत जो होती है वो गुरसिखी ऐसे ही फैला देती है, वो जो भगवान का जो नाम है, वो जो फ्रेग्रेंस है गुरसिखी का, गुरसिखी का भाव जो भी मैं कह रहा हूँ, जो रहत जो गुरु महाराज ने बख्शी है, जो नाम सिमरन है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका चाह अंदर से बन जाता है कि मैं नाम जपूं और गुरु वाला बनूं। ये चाहत गुरु महाराज की कृपा के द्वारा बिना नहीं आती, ठीक है। तो गुरु महाराज ने साथ संगत एक ऐसा सिस्टम बनाया गुरु महाराज ने, कि गुरु महाराज ने यहाँ तक कह दिया है कि साथ संगत में सचखंड बसता है और मैं खुद जो है साथ संगत में विचरता हूँ, ठीक है। तो इसी में हम कोशिश करें कि उनसे दूर रहें जो गुरु महाराज से टूटे हुए हैं, जो भगवान का नाम नहीं जपते। ये भगत कबीर जी के श्लोक में आता है कि जो एक बुरी संगत है वो ऐसी है जैसे एक केले का झाड़ होता है ना संगत जी, वो बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं उसके, अगर उसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई किक्कर का झाड़ आ जाए जिसके थॉर्न्स लगे होते हैं संगत जी, उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए और अगर हवा बह जाए ना, तो वो जो किक्कर का जो झाड़ है ना, वो पूरे केले के झाड़ को फाड़ के रख देता है। भगत कबीर जी कहते हैं कि ये वाली हालत जो है ना, ये बुरी संगत ने मेरा हाल किया है। सो हमें तो लगता है कि हाँ वो संसारिक तौर पे एक अच्छे इंसान है, लेकिन संगत जी वो जब नाम जपने के लिए प्रेरित नहीं करते हमें, तो हमें नहीं पता हो रहा होता, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हो जाता है। सो पुल्ला चुका लिखे मैं इतनी बेनती है प्रवान करनी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।